ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ सब दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, दिख रहा है क्या? यस सर, आवाज भी क्लियर आ रहा है? ओके, यस सर। फिर तो इस साइंस से थोड़ा सा आप आज समझ गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में, यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। ये जो साइन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का साइन है, ठीक है? तो एक्चुअली हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया है आपको क्योटो प्रोटोकॉल्स के बारे में, यानी क्योटो प्रोटोकॉल्स। थोड़ा सा मैं फास्ट रिकेप करता हूँ क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसमें इसको मैं थोड़ा सा फास्ट क्विकली रिकेप करके इसको खत्म कर देता हूँ। क्योटो में हमने क्या देखा था? क्योटो में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में था, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैसे कम करने हैं उसके बारे में था। एक्चुअली मैंने ये कहा था आप लोगों की 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था जिनेवा में, ठीक है, सॉरी, आपका अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में 92 में अर्थ समिट हुआ था, तो वहां पे कुछ रेजोल्यूशन हुए हैं, दो तीन कन्वेंशंस ये रेजोल्यूशन पास किए थे, जिसमें आपका डिजर्टिफिकेशन के बारे में था, है ना, तो और वेदर चेंज के बारे में एक था, हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का इसको कैसे हमें करना है, तो एक ये बना था यूनाइटेड नेशंस, क्या था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, UNFCCC था ना, यही बना था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। तो ये बना था जिसमें ये कहा गया था कि डेवलप कंट्रीज को और इसमें ये कहा था कि हाँ हम हर साल मिलेंगे, जिसको कहा था COP 3 के बाद मैंने आपको क्या था, COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिस दिन मीटिंग होता है उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, तो COP 1, COP 2 इस तरह से होता है, COP 3 इस तरह से। तो इनका जो हुआ था एक्चुअल में फर्स्ट मीटिंग को फर्स्ट 1995 में हुआ था, इसके बारे में मीटिंग करना था, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके बर्लिन में हुआ था 1995 बर्लिन में। फिर COP 2 इनका हुआ था जिनेवा में हुआ था, COP 3 क्योटो में हुआ था। हमारा जो मेन यहाँ पे जो ये एक्ट बना था, जो ये कम टू फोर्स हुआ था, ये क्योटो में ही इसका फाइनल शेप बना, तो COP 3 तीसरे मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, जिसमें डेवलप कंट्रीज को कहा गया, जो डेवलप है या इनको कैटेगराइज किसमें किया था, एनेक्स कंट्रीज, है ना, एनेक्स एनेक्सड कंट्रीज कहा था, यानी इनका एनेक्सचर फर्स्ट में नाम था एनेक्सड कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज थे, जो आपके इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, जिन्होंने बहुत सालों से इतना इंडस्ट्री को यूज किया था कि जिसकी वजह से पूरा आपका ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा उन्होंने किया, तो वही लोग मेनली रिस्पॉन्सिबल थे ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। कम कितना करना था? 5.2% ऑफ द 1990s लिमिट, जो 1919 था उससे उनको 5.2% गुना उसमें कम करना था ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ठीक है। तो उन्होंने ये सारा पहले लिया था और कहा था कि हम भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेंगे, लेकिन वो किसके लिए बना था? एक्चुअली डेवलप कंट्रीज के लिए, जिनको एनएक्स में, फिर एनएक्स बी लिस्ट कहा था, एनएक्स बी में वही कंट्रीज के नाम थे कि उनमें एनएक्स बी में तो सारे कंट्रीज के नाम जो डेवलप कंट्रीज की, इन सब को हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, ये कहा था। एनएक्स बी में एक लिस्ट बनाया था जिसमें पूरा बाजबता लिखा था कि भी जापान को कितना कम करना है अपना ग्रीन हाउस एमिशन, और यूएसए को कितना करना है, कनाडा को कितना करना है, वो सारा एनएक्स बी था, एनएक्स बी में वो सारा डिटेल था, इसको हम एनएक्स बी कंट्रीज भी कहते हैं। बाकी जो नॉन एनएक्स कंट्रीज था, नॉन एनएक्स कंट्रीज मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज, जिस समय वो इंडिया आपका डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, हम चाइना उस समय डेवलपिंग कंट्रीज में था, वो सब आते थे, उन पे कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन उनको वॉलेंट्रीली कहा था कि आप भी इसमें आप योगदान दीजिए, आप भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर दीजिए, ये कहा था, ठीक है। तो यहाँ क्योटो में ये सारा 1990
सेवन में बन गया, जिसमें हुआ था 1 से 10 दिसंबर तक ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये कम टू फोर्स कब हुआ था, कब ये बहुत सारा रीजंस बताया था, यूएसए वगैरह बहुत इसको ये कर रहे थे, फिर यूएसए के बगैर इस कानून को लागू करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमने कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब ट्रीटी भी होता है, एकॉर्ड भी होता है ना। ये कानून फिर पूरा लागू अच्छे से हुए कहाँ, 16 फरवरी 2005 में, ठीक है। तब से ये कम टू फोर्स विदाउट यूएसए इन्होंने खत्म कर दी इसको, ठीक है, वहां से शुरू किया, जिसमें 6 गैस का जिक्र किया था कि इन ग्रीन हाउस गैस को हमें इमिडिएटली खत्म कम करना है, इनकी इमिशंस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, ये पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स वाले एग्जाम में, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड था, आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन थे, पर ऑक्सी कार्बन थे ना, पर फ्लोर सॉरी पर पीएफसी पर फ्लोरोकार्बन थे, और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड थे, इन 6 गैस को कम करने की बात की, ठीक है। लेकिन इस मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए उन्हें कुछ प्रोसीजर एडॉप्ट किया था, ठीक है, एक प्रोसीजर एडॉप्ट किया था। वो प्रोसीजर 3 टाइप के तरीके से इसको कम कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर उन्होंने क्या कहा था, यहाँ मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला उन्होंने क्या कहा था कि उसमें एक तो था, हाँ, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग था, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग था पहला वाला पॉइंट, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, यानी ट्रेड कर सकते थे, जो इमिशन है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छे जो कंसेप्ट निकल के आया था वो क्या था, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग में क्या था, जो एनएक्स बी के कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, अगर जैसे एग्जांपल लिया था हमने जापान और कनाडा का लिया था ना शायद, तो अगर जापान को अपना इमिशन 5% कम करना था, या 10 क्योटो पॉइंट्स, क्योटो पॉइंट्स कहते थे, यानी कितना पॉइंट करना है इनको, क्योटो 10 था, मतलब 10% है इतना इनको अलाउड था, इनको 11% अलाउड था, या इतना सॉरी 10% इनको कम करने थे, 11% या कम करने थे, या हम ऐसे बोल सकते हैं 10% छोड़ना था इनको, सिर्फ 11% इमिशन छोड़ना था। लेकिन हमने कहा था कि जापान ने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की, जैसे पब्लिक सिस्टम किया, हाइड्रो पावर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं इमिशन को कम करने के लिए, विंड पावर यूज कर सकते हैं, सोलर प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, हाई, इन सब की वजह से इनका जो रिडक्शन, इन्होंने सिर्फ जो छोड़ा एटमोसफियर में 8% ही इमिशन छोड़े, ऐसे गैस 8% ही छोड़े। लेकिन कनाडा ने अगर 13% गलती से छोड़ दिया है, तो इसको ट्रेड कर सकते, ये 2% जो इन्होंने बचाया, इस 2% को इनको ये कनाडा को इसको ट्रेड करा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते थे, कार्बन ट्रेडिंग कहते थे। तो ये एक ट्रेडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे दिया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड इसमें पॉइंट क्या था, सेकंड और एक तरीके से कम कर सकते थे, ये कहा था कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक था सीडीएस था ना शायद, सीडीएम था, ये डिस्कस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, सीडीएम बोलते थे, क्लीन डेवलपमेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि इमिशन जो है वो पूरी दुनिया से आ रहा है, उस इमिशन को कम करने के लिए हमें पूरी दुनिया से इमिशन को कम करना है, तो कोई एनएक्स बी डेवलप कंट्री जो है वो किसी नॉन एनएक्स कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगा सकता था, है ना, कोई प्रोजेक्ट वहां पे एस्टेब्लिश कर सकता था, और वहां पे जैसे जापान ने इंडिया में फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, है ना, तो जितना वो इस इंडिया से इमिशन को कम करते हैं उतना उसको पॉइंट जनरेट होता है, उतना उसको क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट जिसको क्रेडिट कहते हैं, या क्योटो पॉइंट्स, इसका यूनिट क्या है, क्योटो पॉइंट्स, वहां से वो गेन कर सकते हैं, उस क्योटो पॉइंट्स के बदले में उतना ही इमिशन वो अपने कंट्री में छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या था, उससे फिर वहां से वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्या सर्टिफिकेट, इमिशन रिडक्शन, है ना, सर्टिफिकेट
फॉर या सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन क्रेडिट भी बोलते थे, वो वहां से वो ले सकते कि हमने इतना ये प्रोजेक्ट वहां कंट्रीज में लगा दें, इतने हमारे क्योटो पॉइंट हमने अर्न किया। इस तरह क्या था, ज्वाइंट इंटर ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन था, ज्वाइंट तीसरा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन था, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म था, तीन मैकेनिज्म थे। हाँ, एक था कार्बन ट्रेडिंग वाला है ना, इमिशन ट्रेडिंग का पहला था, दूसरा सीडीएम मैकेनिज्म था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा था ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। तो ज्वाइंट में क्या कर सकते हैं, जो खुद डेवलप कंट्रीज है, नेक्स्ट बी देश है, वो एक दूसरे के कंट्रीज में विद द एक्सचेंज ऑफ आपके न्यू टेक्नोलॉजीज, वो न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सचेंज करके कार्बन इमिशन को कम करने वाली वो प्लांट्स वहां पे लगा सकते हैं, जिससे आपका पोल्यूशन जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नहीं, ये तीन मैकेनिज्म के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को अपने इन्वायरमेंट में कम कर सकते हैं। तो तीन मैकेनिज्म थे। ठीक है, यहां तक ठीक है, थोड़ा सा रिकेप हो गया, इसे थोड़ा सा आप क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह से अब हमारा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स अगर क्या होते हैं जरना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पुलर, परसिस्टेंट यानी तीन वर्ड आ रहे हैं, परसिस्टेंट मींस जो बहुत देर तक रहते हैं, नेचर इनका क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, पोल्यूटेंट्स होंगे यानी ये हार्मफुल हो गया हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर पुअरली बायोडिग्रेडेबल, यानी आपके बायोसिस्टम में ये बहुत ही स्लोली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और इनका क्या नेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट एज बीइंग पार्टिकुलरली ट्रबलसम, बिकॉज दे ये हमारे लिए मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इनको क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो प्लूटेंस है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। बिकॉज क्यों हार्मफुल है, बिकॉज एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि लास्ट इन द अर्थ सिस्टम फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल तक हमारे अर्थ सिस्टम में एक्यूमुलेट होता रहता है क्योंकि ये पुअरली बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा क्या है, टेंड टू बिकम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ सिस्टम, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत देर तक रहता है, तो हवा के जरिए, विंड के जरिए इधर उधर पूरी अर्थ सिस्टम में ये फैलता जाता है, इंक्लूडिंग आपका हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, बायोस्फेयर, स्पेशली इन द एटमोस्फेयर, सब में ये घुल मिल जाता है और इसकी कंसेंट्रेशन रोज बरोज बढ़ता जाता है। थर्ड है एक्यूमुलेशन इन द फैटी एसिड। अब किसी प्लांट ने खाया, एनिमल ने खाया, तो एनिमल ने खाया तो ये इसकी फैटी के टिश्यूज में वहां पे आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, इन ह्यूमंस में आ जाते हैं, जिससे जब वो हायर कंसेंट्रेशन में आपके मसल्स में, आपके फैटी एसिड्स में आहिस्ता आहिस्ता एड हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी आप जैसे फिश के फैटी एसिड में आ गया, फिश से आपने इंसान ने खाया, फिर इंसान के बॉडी में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये फूड चेन के थ्रू बहुत सारी जगहों पे फैल जाता है, फिर उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हाईली टॉक्सिक फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल या वाइल्ड लाइफ के लिए हो जाएगा, और उससे कैंसर होने के चांस से, डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम आपका प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होंगे, इंटरफेरेंस होंगे है ना, चाइल्ड में तो सबसे ज्यादा असर होगा, जैसे डीडीटी का आपको आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा बच्चों में प्रॉब्लम हुआ था जब हम इसको डीडीटी को यूज करते थे आपके पेस्टिसाइड की तरह, तो ये पानी से फिर आपके मदर में, मदर से फिर बच्चों में, तो कितना प्रॉब्लम आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स को हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्लूटेंट। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा था, फिर इंटरनेशनली अवेयरनेस हो गए, फिर उनको कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया, क्योटो प्रोटोकॉल। अब हमें परसिस्टेंट इन ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कम करने के लिए हमें एक नया कन्वेंशन यहाँ पे हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है, बस यही सिंपल सा है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी, या एकॉर्ड बोलते हैं या ट्रीटी बोलते हैं, जो कि एग्रीड इन 2001 दैट वेंट टू इफेक्ट इन 2004, डिजाइन टू किसने डिजाइन किया था, एलिमिनेट या तो टोटली खत्म करना था उस चीज को हमारे इन्वायरमेंट से, और यूज करना ही नहीं था, लेकिन अगर वो जरूरी है तो कर्टेल करना था, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना था
द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ पीओपीज को, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हमें कम करना था या टोटली खत्म करना था, ठीक है। तो इसमें जो इस कन्वेंशन में 12 ऑर्गेनोक्लोरीन सबस्टेंट को ये किया नोटिफाई किया कि ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, मेनली ऑर्गेनोक्लोरीन सबस्टेंट्स है, जिसको नाम बहुत आम हुआ था उस समय, कहा गया था डर्टी डजन, यानी 12 ऐसे है बहुत डर्टी है हमारे एनवायरमेंट के, लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एज परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। उनका नाम किस में कैटेगरीज में चला गया, परसिस्टेंट, ये डर्टी जो डजन है, डजन का मतलब 12 है ना, तो ये उस नाम से मशहूर हुआ था। विच आर नाउ बैंड या बींग फेज आउट बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम कम कर रहे हैं। तो इनिशियल लिस्ट ऑफ 12 पीओपीज आर कॉल्ड डर्टी डजन इंक्लूड, किस में क्या था, 8 पेस्टिसाइड्स थे, एल्ड्रिन, क्लोडिन, डीडीटी, देखो डीडीटी में अभी बात कर रहा था, डाई एल्ड्रिन, एंड्रिन, ये सारा पेस्टिसाइड थे, इनको बैन किया गया और कहा गया इनको कम करें। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन और पॉलीक्लोरिनेट बायफिनेल्स थे, और कितना हुआ, 10 हुआ ना, और 2 जो मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोडक्ट्स थे, पॉलीक्लोरिनेट डाई बेंजो पैरा डाइऑक्साइन्स थे, पॉलीक्लोरिनेट बेंजो फ्यूरान्स थे, इनको कम करने के लिए, ऐसा ऐसा खत्म करने के लिए कहा गया था उस एग्रीमेंट में, ठीक है। सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है क्या हुआ था उसमें। फॉर कंट्रीज साइनिंग द स्टॉकहोम ट्रीटी दैट बैन्स दीस पीओपी डेवलप इट इज अनइंप्लीमेंटेड, कैसे कर सकते हैं, वो कंट्री पे छोड़ा गया कि आप कैसे भी करो, किस टाइप का प्लान बनाए तो बनाओ, इन चीजों को आपको या तो खत्म करना या इनको लिमिट कर देना। बाद में ये हर साल इस तरह से मीटिंग होते होते ये केमिकल्स की लिस्ट 22 तक पहुंच गई, ठीक है। दिस लिस्ट रीच 22 ग्रुप ऑफ केमिकल्स, अदर कंपाउंड एंड क्लास ऑफ कंपाउंड आर अंडर एक्टिव, बहुत सारे और कंपाउंड अभी तो कंसिडरेशन में, अगर वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता बैन किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा, एक पीओपीज कैरी टू कोल्ड माउंटेन्स रीजन वेयर दे कंडेंस, अगर पीओपीज हवा से घूमते घूमते कोल्ड रीजन में पहुंच गए तो कंडेंस होगा वाटर के साथ आपके, जहां से एक्चुअली टेम्परेट जोन से, यानी हीटिंग इक्वेटोरियल से या टेम्परेट जोन से या रीजन से, यहां से जनरेट हुआ था, लेकिन ये विंड के जरिए जाते जाते आपके पोलर साइड पे पहुंच गया। यहाँ पे ऐसे कंट्रीज है जहां पे टेम्परेचर बहुत लो है, तो वहां यहाँ पहुंच पहुंच के ये कंडेंस हो जाएगा विद प्रेसिपिटेशन इन कंट्रीज में तक, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये परसिस्टेंट है, बहुत सालों तक ये हवा में घूमता रहता है, यहाँ पे चांसेस है। दूसरा, ये यहाँ इस पोल में भी पहुंच सकते हैं, पोलर रीजन्स में, और वहां पे कंडेंस हो सकते, ठीक है। तो डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेशन होते ही इधर उधर घूमते हुए कोल्डर रीजन में पहुंचते हैं और आपको वहां भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो प्लेटेंस है वो हर जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम ये कह सकते हैं, अगर वो पीओपी क्या हो जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते, सॉरी लीस वोलेटाइल होते हैं, लीस वोलेटाइल होते हैं, तो ज्यादा घूमेगा नहीं, और जहां से सोर्स है वही उसके आसपास वो आपको मिलेंगे इस टाइप के, तो उस वो खास एक एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर वो हाईली वोलेटाइल है तो बहुत सारे रीजन्स में घूमते घूमते ये कहाँ पहुंच जाएगा, पोलर रीजन्स में पहुंच जाएगा, और एंड दोज ऑफ द इंटरमीडिएट वोलेटिलिटी आर डिपॉजिटेड प्रीडोमिनेंटली एट द मिड लैटिट्यूड्स, तो तकरीबन यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएंगे तो मिड लैटिट्यूड पे ये वहां पर तक पहुंच सकते हैं। दिस फेनोमेना हैज सम इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग एक्युमुलेशन ऑफ पीओपीज इन एनवायरमेंटली फ्रेजाइल पोलर रीजन फॉर्म फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रीजन, तो इंडस्ट्रियल सोर्स, तो हम तो ये कहते हैं कि जो पोलर रीजन में वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ कारगिल में बैठ के ही सोच रहे हैं, हमें कोई पोल्यूशन का खतरा नहीं है, दिल्ली में होगा, कलकत्ता में होगा, कहीं यूरोप के नेशंस में होंगे। तो देखा जाए तो इस टाइप के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आहिस्ता आहिस्ता विंड के जरिए घूमते घूमते आपको डिफरेंट कंट्रीज में पहुंच जाते हैं, और जो ये केमिकल्स है बहुत सारी जगहों तक फैल जाता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है क्या? यस सर।
ठीक है, तो इसमें इतना ही था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यही था, और ज्यादा इसमें कहने की बात तो नहीं है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बेस पे यही स्टॉकहोम कन्वेंशन बना था, इस चीज को हम कैसे लिमिट करें या कम करें। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो पूछ सकते हैं, ये लास्ट है टॉपिक इसका, इस यूनिट का। फिर इसके बाद जो वाटर केमिस्ट्री में थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट का थोड़ा सा बचा है वो डिस्कस करेंगे। इसमें तो ये इतना ही है। अगर कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। हाँ, आवाज आ रहा है क्या? यस तो ठीक है, क्या इतना काफी है? सर, हाँ नवाज, ये जहीर अब्बास, हेलो, यस सर, ठीक है क्या इतना काफी है? कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है? यस थोड़ा का सर, हाँ शुरू का स्टार्टिंग का थोड़ा छूट गया था सर, अभी मेरा क्लास। ठीक है, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ इसको। ठीक है, नहीं ओके ठीक है सर, आपके आने पे ही हमने इसको स्टार्ट किया था, छूटा नहीं कुछ भी। ओके मैं सर, रिपीट किया ना आपको, क्योटो प्रोटोकॉल, फिर यहाँ पे आ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, फिर थैंक यू।